हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला ब्राज़ीलियन सीरिया का मैच, जो कि होने जा रहा है फ्लुमिनेंसे और सम्पाओलो के बीच में। ये मैच बहुत ही फेमस एक ग्राउंड पे होने जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी फुटबॉल फॉलो करते हो या फिर प्यार करते हो फुटबॉल से, तो आपको पता होगा कि एस्टाडियो डू मराकाना जो ब्राज़ील में है, ये रियो डी जेनेरियो में, तो ये उसी ग्राउंड पे होने जा रहा है जो कि एक्चुअली में फ्लुमिनेंसे का होम ग्राउंड है। करंट पोजीशन की बात करें तो सम्पाओलो पहले स्थान पर है और काफ़ी अच्छी तरीके से पहले स्थान पर है, क्योंकि दूसरे स्थान पे जो टीम थी एथलेटिको पारानियन से शायद थे, उनको उन्होंने हरा दिया था काफ़ी बुरी तरीके से, और फ्लुमिनेंसे है सातवें स्थान पर। अभी क्या है कि ड्रीम इलेवन ने आखिरी तीन शायद मैचेस जो है सम्पाओलो के लिस्ट किए थे, लेकिन लगातार नहीं, ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ मैचेस उन्होंने लिस्ट किए हुए थे। और क्या आप बोल सकते हैं, सरकास्टिकली बोलिए या फिर किसी भी तरीके से बोलिए, कि उन मैचों में ही सम्पाओलो ने बहुत ही आराम से जीत हासिल करी है विथ क्लीन शीट्स, ठीक है। आखिरी मैच पर सेकेंड प्लेस टीम के अगेंस्ट में उनका मैच था, जो मैच ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया था, वहाँ पर भी सम्पाओलो ने बहुत ही आराम से जीत हासिल करा था। उससे पहले भी दो मैचेस में बहुत ही आराम से उन्होंने जीत हासिल करा था, लेकिन उन मैचेस के बीच में कुछ मैचेस हुए थे जहाँ पर सम्पाओलो का रिजल्ट अच्छा नहीं गया था। और अच्छा नहीं गया था मेरा मतलब ये है कि वो हारे भी थे उन मैचों में, लेकिन वो मैचेस ड्रीम इलेवन ने लिस्ट नहीं करा है। तो इसीलिए अगर ऐसा आ जाए आपको ओपोनेंट आज के मैच में जिसको मिनिमम नॉलेज नहीं है या और मिनिमम रिसर्च नहीं करा है, तो वो पूरी तरीके से 7-4 का कॉम्बिनेशन बना के आएगा। और अभी अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाएंगे तब भी आपको यही चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि उन मैचों में जिस तरह से फ्लुएंटनेस दिखाई थी सम्पाओलो ने, जो मैच ड्रीम इलेवन ने लिस्ट करे थे, उस तरह से जिस तरह से उन्होंने फ्लुएंटनेस दिखाई थी उस मैच के बाद या उस मैच से पहले जो मैच उन्होंने खेले थे, उन मैचेस में उस तरह का फ्लुएंटनेस था नहीं वैसे, ठीक है। लेकिन हाँ, टॉप की टीम है तो ये एक चीज़ है, मतलब जो जो मैचेस ड्रीम इलेवन ने लिस्ट करे थे उसी मैचेस में उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे थे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे सिलेक्शन परसेंटेज तो भी सम्पाओलो के प्लेयर्स के ही बहुत ज़्यादा होंगे आपको दिखेंगे। इंजरी न्यूज़ की बात करें तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आज के मैच में खेलेंगे नहीं। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, सम्पाओलो ने 3-1 से जीत हासिल करा था, हराया था फ्लुमिनेंसे को। दोनों टीम के बारे में अगर मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ, सम्पाओलो के मैचेस हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो आई होप उनके मैचेस के बारे में, उनकी टीम के बारे में आपको काफ़ी आइडिया होगा। अगर नहीं है तो मैं बता दूँ, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव गेम खेलना पसंद करते हैं, डिफेंसिवली स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अटैकिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है, लेकिन एक दो बहुत जेन्युइन अटैकर्स हैं और उनके ऊपर डिपेंड करके इनका काम जो है हो जाता है। डिफेंसिव सेफ बरकरार रखना ये पसंद करते हैं, और इसीलिए एक दो गोल करने के बाद भी उसको डिफेंड करना इनकी खासियत भी है, उनकी स्ट्रेंथ भी है। अगर फ्लुमिनेंसे की बात करी जाए तो उतना खास मुझे नज़र नहीं आई है, सही बताऊं तो उस तरह से बताने लायक कुछ नहीं है। थोड़ा सा अट्रैकिंग मेंटालिटी वाली टीम है, डिफेंसिवली खास कुछ नहीं है, डिफेंस में बहुत सारे चेंजेस ये लगातार करते रहते हैं। जनरली सेंट्रली ही इनका अटैक वगैरह होता है, मतलब क्वालिटी वहीं पे ज़्यादा है, कुछ कुछ मैचों में विंग भी सेट करते हैं, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली कुछ बताने लायक नहीं है। दो तीन प्लेयर्स हैं इनके अटैक में और डिफेंस में भी जिनको आपको कॉन्सेंट्रेशन में रखना पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया है फ्लुमिनेंसे की तरफ से। देखते हैं आगे। तो आखिरी हेड टू हेड में यही हुआ था, क्या हुआ था कि यहाँ पर डैनी अल्वेस नहीं खेल रहे थे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है डिफेंस लड़खड़ा गया था, क्योंकि डैनी अल्वेस इनकी टीम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले प्लेयर हैं, डिफेंसिवली हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो यहाँ पर खेल नहीं रहे थे। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल डिफेंस यहाँ पर अच्छा था, इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं। यहाँ पर गोल किया था बुएनो ने और एक गोल किया था लुसियानो ने, जो इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर मतलब आउट क्लास कर दिया था फ्लुमिनेंसे को, क्योंकि बहुत बड़ी अटैकिंग टीम नहीं है सम्पाओलो, इसीलिए स्कोर लाइन बहुत बड़ा नहीं था, नहीं तो और भी बड़ा हो सकता था। एकमात्र गोल यहाँ पर करा था वेलिंगटन सिल्वा ने। सम्पाओलो के यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वैसे खेल भी नहीं रहे थे, तो जो भी हो, लेकिन दोनों ही टीमों का मिडफील्ड यहाँ पर ख़राब था। डैनी अल्वेस का रहना और ना रहना बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले मैचेस मैंने कवर करे थे सम्पाओलो के। भले ही डिफेंसिव मिडफील्डर हों ये, लेकिन क्रिएटिविटी इनके पास बहुत अच्छी है, डिफेंसिव रोल तो मेंटेन करते ही है, पासिंग भी बहुत अच्छा करते हैं और ऊपर भी कभी कभार आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं मिडफील्ड में। तो इनका ना रहना मतलब एक बहुत बड़ा गैप तैयार हो जाता है मिडफील्ड में, और कोई भी आ जाए उनके जगह पर वो उनकी तरह तो क्वालिटी ऑफ कोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं मिडफील्ड यहाँ पर ख़राब था। सम्पाओलो का थोड़ा अच्छा रह गया था डिफेंस और अटैकिंग थर्ड में इफेक्टिवनेस, इसकी वजह से वो जीत पाए।
सैम पाओलो के पास पोजीशन था और ये इनके पास लगभग हमेशा ही रहता है। फ्लुमिनेंसी भी पोजीशन रखना पसंद करती है, लेकिन क्योंकि सैम पाओलो यहाँ पर बेटर टीम थी तो उनके पास पोजीशन आ गया था ज़्यादा, थोड़ा सा था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों टीमों की पोजीशन में। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो दिएगो, जिनके आपको क्लियरेंस दिख जाएंगे, जो यहाँ पर सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे सैम पाओलो के होकर, जनरली फर्स्ट टीम फुटबॉलर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर खेल रहे थे। इसके बाद टीचे, जो आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, क्लाडो, डोडी, ये कुछ प्लेयर्स हैं। नेने जो मेन अटैकर चल रहे हैं अभी फ्लुमिनेंसी की तरफ से, इनके शॉट्स ऑन टारगेट। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो आखिरी मैच था शायद ये, जहाँ पर एथलेटिको गोयालेंसी के अगेंस्ट में हारना पड़ा था फ्लुमिनेंसी को 1-2 गोल से, तो पूरी तरीके से आउटक्लास कर दिया था। मतलब मिनिमम एक स्लॉट भी नहीं था जहाँ पे फ्लुमिनेंसी की तरफ से कुछ पॉजिटिव मैं बता सकूँ, और शायद ये आखिरी मैच ही था। मतलब बहुत सारे फुटबॉलर्स यहाँ पर खेल भी नहीं रहे थे, ये भी एक रीज़न था, कुछ भी बताने लायक यहाँ पर नहीं था। और ओपोनेंट की अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर वही काम करा था जो काम आपने ऊपर मिस होते हुए देखा था सैम पाओलो की तरफ से, वो है मिडफील्ड जकड़ना। ठीक है, मिडफील्ड में यहाँ पर उन्होंने क्वालिटी बढ़ाई थी, मिडफील्ड कंट्रोल करा था और उसके बाद पूरा मैच भी इनके हाथ में आ गया था। भले ही इनके पास पोजेशन नहीं था, पूरा मैच खेली थी यहाँ पर फ्लुमिनेंसे, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मिडफील्ड के ऊपर डिपेंड कर गया और थोड़ा बहुत अच्छा डिफेंडिंग करके भी इन्होंने ओपोनेंट को रोक दिया था। डिफेंस वैसे इनका उतना अच्छा था नहीं अंदर के वायनेंसे का, ऑन पेपर ये वीकर टीम भी थे लेकिन ख़राब दिन था फ्लुमिनेंसे का, तो इसकी वजह से इतनी बुरी तरीके से उनको हारना पड़ा था। स्कोर लाइन के साथ अब नहीं जा सकते, आप देखेंगे अगर मैच तो कुछ भी खास चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे फ्लुमिनेंसे की टीम, तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था। इनके गोलकीपर जो थे फिलिपे, ये काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं रिसेंटली, थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे हैं लेकिन रिसेंटली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके वजह से यहाँ पर स्कोर लाइन बड़ा नहीं हुआ था क्योंकि सामने वाली टीम की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो भी हो उनके वजह से स्कोर लाइन बड़ा नहीं हुआ था, नहीं तो और भी बुरा लग सकता था स्कोर लाइन। डिफेंस भी कुछ खास अच्छा था नहीं, सेट पीस से गोल करा। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए पोजीशन रखा, और ये एक चीज़ है जो फ्लुमिनेंसी की तरफ से आपको लगभग देखने को मिलती है पोजीशन फुटबॉल। यहाँ पर हडसन के पास पासेस थे, उसके बाद यीरी और नीनो पाओलो इनके नंबर 10 होते हैं यहाँ पर, हालांकि नंबर 10 मतलब नंबर 10 के पोजीशन पे खेलते हैं, जर्सी नंबर 10 नहीं। पाओलो इनके अटैकिंग थर्ड में बहुत ही वर्सेटाइल एक फुटबॉलर हैं। ठीक है, इनके ऊपर इनका अटैक बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत बड़े वाले गोल स्कोरर तो नहीं है लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके सिवाय अगर बाकी प्लेयर्स के मैं बारे में बात करूँ तो नेने एक डायरेक्ट फुटबॉलर है, मतलब अगर ये गोल वगैरह करते हैं तो ही आपको पॉइंट्स कलेक्ट करके देंगे, बाकी इधर उधर से हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन वो ना करें। हडसन इनके मिडफील्ड में खेलते हैं, डिफेंसिव रोल ही ज़्यादा निभाते हैं, लगभग कंसिस्टेंट है मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि डिफेंसिवली काफ़ी वीकनेसेस हैं फ्लुमिनेंसे के टीम में। बाकी अगर बताया जाए तो फिलिपे मैंने बता दिया, कंपैरेटिवली अच्छा कर रहे हैं रिसेंट कुछ मैचेस में। यहाँ पर एथलेटिको पारानियेंसे को उन्होंने हराया था 3-1 गोल से, तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ जो है आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी। तो देखो मिडफील्ड में जैसे मैंने बताया हडसन यहाँ पर देखिए आगे डिफेंसिव मिडफील्ड में, इसके सिवाय मार्टिनेली भी खेल रहे थे। अट्रैकिंग थर्ड में दो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो है पाओलो और नेने। पाओलो ने यहाँ पर 2 गोल करे थे और एक तीसरा गोल का असिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड करा था। नेने ने एक पेनल्टी मिस किया था, नहीं तो स्कोर लाइन अभी बड़ा हो सकता था। इनके लिए थोड़ा बहुत जो विंग का काम होता है ना वो इनके फुल बैक्स करते हैं, एजीडियो और यहाँ पर कालेगरी खेल रहे थे। एजीडियो काफ़ी कंसिस्टेंट फुटबॉलर हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स ये कलेक्ट करके देते हैं, पासिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, अट्रैकिंग थर्ड में भी काफ़ी जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो विंग का काम होता है ना फ्लुमिनेंसी की तरफ से वो इनके दोनों फुल बैक्स करते हैं, बाकी डिफेंसिवली खास कुछ बताने के लिए नहीं। और आप देखते हैं यहाँ पर भी 1 गोल कंसीड किया था इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी। डिफेंसिवली अगेन दे हैड इशूज़, बट इफेक्टिव सेंटर और अटैकिंग थर्ड ने यहाँ पर अच्छा काम करा था जिसके वजह से यहाँ पर वो जीत पाए। सेट पीस से गोल करा, ऑलमोस्ट 70% पोजिशन था लेकिन फिर भी टाइम निकाल के 1 गोल जरूर कंसीड कर लिया। स्कोर फ्रॉम सेट पीसेस, और राइट साइड यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव था जहाँ से आपको कालेगिरी जो है ये ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो एजीडियो, इनके आपको टैकल्स दिख जाएंगे, पासिंग में भी इनका नाम है, साथ में मार्टिनेली, क्लारो, कालेगरी, हडसन, ये कुछ प्लेयर्स हैं। एजीडियो की क्रॉसेस भी हैं, अच्छी खासी क्रॉसिंग एबिलिटी है इन दोनों ही फुलबैक्स का, स्पेशली एजीडियो का, ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभार से पीस भी लेते हैं, और उसके बाद नेने, और अटैकिंग थर्ड में जब बात आती है तो नेने तो आपने देख ही लिया, साथ में पाओलो और अराउहो एक बहुत ही सही आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर के तौर पे आपको दिख जाएंगे कुछ कुछ मैचों में, मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं कहूँगा, कुछ कुछ मैचों में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है अटैकिंगली। जनरली सेंट्रल मिडफील्डर हैं, ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है डिफेंसिवली भी और अटैकिंगली भी, लेकिन अटैकिंगली कभी कभार उन्होंने काफ़ी सरप्राइज करा हुआ है सभी को।
तो ये है थोड़ा बहुत आइडिया फ्लुमिनेसी की तरफ से। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनके बारे में बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बहुत चेंजेस ये करते रहते हैं अपने प्लेइंग 11 में। 9th प्लेस पर है क्योंकि कुछ मैचेस में इन्होंने लगातार, एक टाइम आया था जहां पर उन्होंने लगातार जीत हासिल करा था, इसकी वजह से अभी वो पोजीशन अच्छा है, टॉप 10 के भीतर है, लेकिन बहुत खास मुझे नज़र नहीं आए हैं। ठीक है, डिफेंसिवली काफ़ी एरर्स करते रहते हैं, अटैकिंग थर्ड में फिर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। मिडफील्ड में मैंने दो तीन नामों को बताया है, उनमें से ही आप जा सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा खास बताने के लिए इनके लिए कुछ है नहीं। संपावलों की बात करें तो ये डिफेंसिव शेप को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और इसीलिए इनके मैचेस में ना आपको बहुत ज़्यादा गोल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही इनके तरफ से ना ही इनके अगेंस्ट में। ठीक है, अनलेस की सामने वाली टीम कुछ ज़्यादा ही बुरी फुटबॉल खेल रहे। इनके मैचेस हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियोस देखे होंगे उनको आइडिया होगा। अगर आपने वो देखे हैं आप स्किप कर सकते हैं ये पार्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो जान लीजिए कि इनके अटैकिंग थर्ड में मेन प्लेयर है लुसियानो। मतलब मैं सिर्फ गोल स्कोर के बारे में नहीं बता रहा, स्टेटिस्टिकली भी आगे ही है, लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इनका काफ़ी अच्छा होता है अटैकिंग थर्ड में। डिफेंसिवली शायद उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अटैकिंग थर्ड में कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा करते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रेनर। ब्रेनर ने भी कुछ कुछ मैचों में गोल करे हुए हैं, और सरप्राइजिंगली जो मैचेस ड्रीम इलेवन ने लिस्ट करे थे शायद 3 या 4, उनमें से एक मैच या दो मैच छोड़कर बाकी मैच में उन्होंने गोल करा हुआ था। मिडफील्ड में डानी अल्वेस सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अगर आप डिफेंसिव मिडफील्ड की बात करेंगे। इसके सिवाय कुछ मैचों में लुआन खेलते हैं, इस कुछ मैचों में टिचे नाम के फुटबॉलर थे जो खेलते हैं इनकी मिडफील्ड में, जो आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। इगोर गोमेस और गोंजालो सारा, ये दोनों इनके साइड मिडफील्डर्स होते हैं। इनमें से गोंजालो सारा काफ़ी अच्छे फुटबॉलर नजर आए हैं अटैकिंगली, गोल्स असिस्ट सब तरफ से ही। इगोर गोमेस ने भी कुछ कुछ मैचों में गोल वगैरह करे हुए हैं जहाँ पर उनको मौके मिले हैं। दोनों ही ये कुछ मतलब एकदम जेन्युइन विंगर्स नहीं है दोनों, इगोर गोमेस और गोंजालो सारा, जहाँ पे सेंट्रली ही आ जाते हैं और जहाँ पे मौका मिलता है ये भी अटैकिंगली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। इनके डिफेंस में बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है रेनाल्डो। ठीक है, ये इनके सेट पीस टेकर भी हैं, पेनल्टी भी लेते हैं और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों फुलबैक में से हुआन फ्रान और रेनाल्डो में से एनी डे आपको रेनाल्डो ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे अटैकिंग थर्ड में। सेंट्रल डिफेंस बात कर लीजिए तो आरबोलेडा एक कंसिस्टेंट फुटबॉलर के तौर पर इनको दिख जाएंगे आपको, और सेट पीस में भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कुछ कुछ मैच में इन्होंने गोल करा हुआ है। इनके जो पार्टनर होते हैं साथ में, चाहे वो ब्रूनो अल्वेस शायद उनका नाम है या फिर कोई भी हो, वो ऑल्टरनेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बाहिया को हराया था। ठीक है, खास कुछ क्वालिटी वाली टीम तो थी नहीं, फिर से वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप 3-1 से टीम जीती है, लेकिन डिफेंसिवली हमेशा ही एक्टिव रहना पड़ा है। इनके जो गोलकीपर है तियागो भल्पी, सही गोलकीपर है, वैसे तो ज़्यादा मौके इनको मिलते नहीं है सेव्स करने के, क्योंकि डिफेंसिवली काफ़ी एक्टिव टीम है, तो बहुत रेयर ही होता है कि सांपाओलो की डिफेंस को कोई भेद करके उनके सामने जा रही है बॉल, लेकिन जब जब मौका मिला है वहाँ पर उन्होंने भी अच्छा करा हुआ है। बाहिया को उन्होंने 3-1 से हराया था। क्या किया था, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है अटैकिंग थर्ड में। सेट पीस गोल, ठीक है, 3 में से 2 गोल सेट पीस से आए थे और 1 काउंटर अटैक से, बस उसी से उनका काम हो गया। पोजीशन रखना पसंद करते हैं तो कुछ नहीं, तो इनके जो मिडफील्ड प्लेयर्स हैं मतलब सेंट्रली प्लेयर्स हैं, अच्छा हाँ सेंट्रली ही इनके जो मूवमेंट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि जो साइड मिडफील्डर्स होते हैं वो भी काफ़ी सेंट्रली आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा विंग डिपेंडेंसी इनसे आप उम्मीद नहीं रखें तो ही बेहतर। तो ओवरऑल यहाँ पर वो बेटर साइड थे, मिडफील्ड को कंट्रोल किया, डिफेंस भी सॉलिड था, स्कोर 2 फ्रॉम सेट पीस, पोजीशन था, राइट साइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो आरबोलेटा आप देख सकते हैं, डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी इनकी बुरी नहीं है, ठीक ठाक ही है। पासिंग के मामले में डानी अल्वेस, लुआन, आरबोलेटा ये कुछ प्लेयर्स हैं, और अटैकिंग की जब बात करेंगे तो रेनाल्डो, ये मैंने बताया सेट पीस भी लेते हैं तो क्रॉसेस आए, उसके बाद डानी अल्वेस भी सेट पीस लेते हैं, एक साइड से रेनाल्डो और दूसरी साइड से डानी अल्वेस सेट पीस वगैरह लेते रहते हैं, और अटैकिंगली लुसियानो के शॉट्स और आरबोलेडा क्योंकि सेट पीस से जितने मौके मिले हैं। देखिए 3 शॉट्स ऑन टारगेट एक सेंट्रल डिफेंडर का, मतलब सेट पीस में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं आप समझ सकते हैं, और बॉल पे के 5 सेव्स रिसेंटली उस तरह से मतलब डोमिनेटिंगली कहीं भी वो हारे नहीं हैं संपावलो। एक मैच यहाँ पर फोर्टालेजा से हारे थे और यहाँ पर उन्होंने 2 गोल कंसीड किया था, हारे नहीं थे वैसे, 2-3 गोल से 3-2 गोल से जीते ही थे, लेकिन 2 गोल कंसीड किया था, तो जो वो बताने लायक है बहुत सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स यहाँ पर खेल नहीं रहे थे। तो जो थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर नज़र आया था वो है सेट पीस से, ठीक है, और रिसेंटली जो मैचेस हारे हैं संपावलो ना वहाँ पर भी ऐसे ही डिफरेंस से हारे हैं, 1-0 या फिर 2-1 ऐसा। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इनको जो मैंने देखा है कि सेट पीस में इनको थोड़ा सा इशू हुआ है, और जब जब ये चीज़ हुआ है देखिए डिफेंसिवली ये बरकरार रखते हैं अपने पोजिशन को, और इसीलिए ये एक चीज़ इनकी स्ट्रेंथ भी है इनकी वीकनेस भी है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग टीम नहीं है। अभी आप कह सकते हैं कि लास्ट जो मैच ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया था वहाँ पर तो उन्होंने 3-0 से जीत हासिल करा था, लेकिन अगर आपने नोटिस करी होगी तो 66-70 मिनट्स तक उनके स्कोर लाइन 1-0 पे ही अटके थे, ठीक है। और वो भी पोजिशन फुटबॉल ही खेल रहे थे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंडर जो है वो ओपोनेंट के ऑफ हो गए थे, उनके उसके बाद से वो अटैकिंगली बहुत एक्टिव हो गए, नहीं तो जनरली ये इतनी अटैकिंगली एक्टिव टीम होती नहीं है। तो ये चीज़ कभी कभार उनके अगेंस्ट भी चली जाती है, क्योंकि समझ लीजिए सामने वाली टीम काउंटर अटैक पर डिपेंड कर रही है, वो पोजीशन फुटबॉल खेल रहे हैं, एक आध मिस्टेक आ जाए और वहाँ से अगर काउंटर अटैक से सामने वाली टीम हिट कर दे तब उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो गोल वो कंसीड करते हैं वो सेट पीस से करते हैं, यहाँ पर भी वो जो दो गोल कंसीड किए थे उनमें से मेरे ख्याल से दोनों ही गोल सेट पीस से कंसीड किए थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा था, बहुत खास कुछ यहाँ पर नहीं बताने लायक। तो ओवरऑल देखिए ऑन पेपर सैन पाउलो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। हो सकता है पोजीशन भी यही रखे तो पासिंग वगैरह के पॉइंट इधर उधर उसके जो पॉइंट है वो भी आपको सैन पाउलो की तरफ से ही देखने को मिले, और रिसेंट जो मैचेस चल रहे हैं वहाँ पर भी सैन पाउलो का फॉर्म काफ़ी बेटर है फ्लुमिनेंसे से। तो सारी जनता जो सोच रही है मैं भी वही कहूँगा कि जीतना सैन पाउलो को ही चाहिए, बेटर टीम सैन पाउलो ही है, लेकिन कौन सा जोन है जहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा, वो है मिडफील्ड, ठीक है। और मुझे लगता है क्योंकि फ्लुमिनेंसे काफ़ी अटैकिंग टीम है और सैन पाउलो का जो फॉर्म है ना आखिरी मैच में वो हार के आ रहे हैं, और रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि ये उनका वीकनेस सा आ गया है कि डिफेंसिव खेलना और इसीलिए ज़्यादा गोल ना करना, तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि सैन पाउलो आज के मैच कम से कम एक गोल तो कंसीड करे काउंटर अटैक से हो यही से हो, क्योंकि फ्लुमिनेंसे काफ़ी अटैकिंग टीम है, अटैकिंग थर्ड में उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो छोटी लीग में हम जो टीम बनाएंगे ना ऑफकोर्स सैन पाउलो के सपोर्ट में टीम बनाएंगे, लेकिन उनके डिफेंस से में हम 3 प्लेयर्स रखेंगे, ठीक है। और मिडफील्ड में हम दोनों ही टीमों की तरफ से जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स होंगे उनको रखेंगे, क्योंकि देखिए सैन पाउलो तो वैसे ही बड़ी टीम है तो फ्लुमिनेंसे के जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं उनको तो रोल पे आना ही पड़ेगा, और सैन पाउलो के डिफेंसिव मिडफील्डर को रोल पे आना पड़ेगा क्योंकि फ्लुमिनेंसे और चाहे कुछ भी करे अटैकिंगली एक्टिव टीम होती है, ठीक है। तो दोनों टीमों के दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स को हम रखेंगे और जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर होंगे उनको रखेंगे, और जो जेन्युइन अटैकर्स होंगे उनको रखेंगे, क्योंकि इनके बाहर बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर से पॉइंट कलेक्ट करने वाले प्लेयर्स आपको शायद नहीं मिले। 3 डिफेंडर होंगे सैन पाउलो की तरफ से, चाहे वो इंक्लूडिंग गोलकीपर हो या एक्सक्लूडिंग गोलकीपर हो, और एक या दो डिफेंडर हम रखेंगे फ्लुमिनेंसे की तरफ से जो सेट पीस वगैरह में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ सेट पीस टेकर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जहाँ से नेने आपको दिख जाएंगे मेन सेट पीस टेकर के तौर पे फ्लुमिनेंसे की तरफ से। सैन पाउलो की तरफ से रेनाल्डो पेनल्टी लेते हैं और सारा हर्नांडेस और डानी अल्वेस में स्टैटिस्टिक्स हैं ये दोनों टीमों के, जहाँ से लुसियानो इनके मेन अटैकर आपको दिख जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज के मैच में स्टार्ट शायद नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जितना मुझे सुनने में मिल रहा है हो सकता है स्टार्ट नहीं करें। उसके बाद ब्रेनर रेनाल्डो और गोंजालो सारा आखिरी मैच पर इन्होंने गोल करा था जो मैच ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया था। असिस्ट के मामले में ये कुछ प्लेयर्स हैं, यहाँ पर एजीडियो और मार्को पाउलो के नाम को दिख जाएंगे और यहाँ से रेनाल्डो। अगर दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन में कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है अपने फुल टीम के साथ, अगर दोनों टीमें आती हैं तो इस तरह का हो सकता है प्लेइंग इलेवन। इनमें से जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको नज़र रखना है, एजीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि इनके सामने आएंगे गोंजालो सारा, ठीक है। और मिडफील्ड में अगर आप अटैकिंग क्वालिटीज़ की बात करते हैं मिडफील्ड से, तो ये प्रोवाइड करते हैं गोंजालो सारा, तो इनको रोकने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एजीडियो के पास होगा, और इनकी डिफेंसिव क्वालिटी ठीक ठाक है, पासिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, अटैकिंग थर्ड में भी कुछ मैच मिनट कंट्रीब्यूट करा हुआ है। अगर आपको इनके साथ नहीं जाना है तो क्लाडो को आप ले सकते हैं, ये सेट पीस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बाकी मिडफील्डरों में से बात करी जाए तो हडसन बहुत इंपॉर्टेंट एक फुटबॉलर होने वाले हैं, क्योंकि ये डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, जैसे मैंने बताया कि दोनों टीमों की तरफ से एक एक डिफेंसिव मिडफील्डर हमको लेना है, तो वहाँ से हडसन का नंबर आ गया। और अटैकिंग थर्ड में जोआ पाउलो और फ्रेड या नेने में से जो भी खेलेंगे, हो सकता है नेने ही स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पर फ्रेड है तो फ्रेड के साथ हम जाएंगे इनिशियली। और सैन पाउलो की तरफ से बात करें तो ब्रेनर को ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है लुसियानो का कोई पक्का न्यूज़ आया नहीं है, अगर लुसियानो खेलते हैं तो लुसियानो फर्स्ट चॉइस, और नहीं तो ब्रेनर के साथ हम जा सकते हैं। और डानी अल्वेस जैसे मैंने बताया डिफेंसिव मिडफील्डर के बारे में, और डिफेंडर क्योंकि हमें सैन पाउलो के ज़्यादा लेने हैं तो आर्बोलेडा सेट पीस के लिए, और रेनाल्डो ये भी सेट पीस में इंपॉर्टेंस रख सकते हैं और पेनल्टी टेकर हैं। गोलकीपर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि वॉल्पी के साथ ही आप जा सकते हो, फेलिपे भी सही ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि मुझे 3 डिफेंडर रखने हैं सैन पाउलो की तरफ से तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वॉल्पी के साथ आप जा सकते हो, इनके स्टैटिस्टिक्स भी सही है, और चाहे कुछ भी हो फ्लुमिनेंसे जो है वो अटैकिंगली बुरी टीम नहीं है तो वॉल्पी को सेव तो करने ही पड़ेंगे, और साथ में क्लीन शीट बोनस जो है वो भी मिलने के चांसेस इन्हीं के ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वॉल्पी के साथ जा सकते हो।
तो ये नहीं सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पर मिलने वाली है। ना सिर्फ इस मैच की बल्कि क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे मैचेस की भी टीम जो है आपको वहाँ पर मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा हो तो आप अपने टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च कर सकते हैं टीम्स फॉर विन लिख के, आपको 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल दिख जाएगा और वहाँ से भी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पर फॉर्म करा है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ हडसन को रखा है मिडफील्ड में डिफेंसिव रोल्स के लिए, पाओलो और फ्रेड को रखा है, अटैकर होंगे ये। वैसे तो मुझे बहुत पसंद तो नहीं है, लेकिन अटैकर होंगे, मेन स्ट्राइकर होंगे, तो आप रख सकते हैं, पेनल्टी भी लेंगे शायद। अगर इनके जगह पर नेने खेलते हैं, नेने जो आपको इस नाम से दिख जाएंगे यहाँ पे, ए लुइस नाम से, तो आप इनको ले लेना पहले ही, मैं बता रहा हूँ। अभी के लिए मैंने बर्नर को रखा है क्योंकि लुसियानो नहीं खेलेंगे, यही खबर है। अगर लुसियानो खेलते हैं तो इगोर गोमेज़ के जगह पर आप ले सकते हैं। मैंने कोशिश करी है अटैकिंग प्लेयर्स को ज़्यादा लेने की संपावलों की तरफ से, क्योंकि फ्लुमिनेंसे एज ए डिफेंसिव टीम मुझे बिल्कुल भी सही नहीं नज़र आया है, तो इसीलिए। और बाकी डैनी अल्वेज़, गोंजालो सारा तो मैंने बता दिया कि यूरेला है। तीन डिफेंसिव प्लेयर मैंने रखे हैं, सिर्फ एडिसन या एजीडियो को मैंने रखा है यहाँ से, और बाकी रेनर और आर्बोलेडा, तियागो फल्वी मेरे गोलकीपर। अगर आप चाहें तो एडिसन एजीडियो के जगह पर एक और डिफेंडर रख सकते हैं सम्पावलो के, जो आपको शायद बेट्स मिलेंगे, ब्रूनो अल्वेज़ शायद जो नाम है इनका, इनको। और गोलकीपर आप फ्लुमिनेंसे के लग सकते हैं, वो भी सही फॉर्म पे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है क्लीन शीट का बोनस जो है वो संपावलो के गोलकीपर को ही मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं 0-0 टाइप का स्कोर लाइन यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, क्योंकि फ्लुमिनेंसे काफ़ी अटैकिंग टीम है और मुझे उनसे गोल की एक तो गोल की कम से कम उम्मीद है। अगर आपको 0-0 बनाना है तो ऑफकोर्स आप जिन प्लेयर्स को पहले हटाएंगे, यहाँ से फ्रेड को हटाओ, यहाँ से इगोर गोमेज़ को हटाओ, और दो डिफेंडर यहाँ पर ऐड कर लो, बस यही बात है, ठीक है। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें तो अभी के लिए सारी जनता गोंजालो सारा के साथ जा रही है, आप भी जा सकते हो स्मॉल लीग में, बहुत नेगेटिव तो मैं नहीं बताऊंगा। और वाइस कैप्टनसी के साथ बर्नर के ऑप्शन है आपके पास, इसके सिवाय पाओलो का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, और डैनी अल्वेज़, क्योंकि डिफेंसिव क्वालिटीज उनकी अच्छी है ही, और अगर एक आध गोल सेट पीस से कर देते हैं तब ये बहुत पॉइंट्स देखे जाएंगे आपको, इसीलिए, ठीक है। और डिफेंडरों में से ऑफकोर्स रेनर, क्योंकि यही इनके पास ही गोल स्कोरिंग एबिलिटी ज़्यादा है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।